ये जो हीलिंग्स होती हैं इनकी तीन स्टेजेस होती हैं, एक जनरल हीलिंग होती है, एक मेंटल साइड की हीलिंग होती है और एक फिजिकल साइड की हीलिंग। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है हीलर लेवल। जो टीचर लेवल्स हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती है, एलिमेंट्स आ जाते हैं और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हीलिंग्स होती है टीचर लेवल की जो होती है सेकेंडरी। सो इनके फेजेस होते हैं, जिस तरह से हम करते हैं कि किस तरह से इनके फेजेस हैं वो भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज आई वांट कि आप लोगों को क्लैरिटी आनी चाहिए कि आप क्या सीखने जा रहे हैं और किस लेवल का सीखने जा रहे हैं। ओके तो सबसे पहले मैं जो मैंने आज आपको बता दिया है, एक तरह से एक फेज मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है जिसमें आप हिस्ट्री और इन सब चीजों के बारे में जानते हैं कि क्या है, कहाँ से ये ओरिजिन हुआ है। सेकेंड फेज जो होता है जिसमें 6 पावरफुल सिंबल्स होते हैं, अट्यूनमेंट्स होती हैं और आपका मतलब 6 + 6 दैट इज 12 सिंबल्स आपको सिखाए जाते हैं सेकेंड फेज में। और जो थर्ड फेज है वो है सिद्धिकरण का फेज, जहां आपको मेडिटेशन, सिद्धिकरण और किस तरह से प्रोसेसेस हैं वो सब क्लैरिटी दी जाती है। ओके ठीक है, इस पे अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है अभी तक तो आप प्लीज बात कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके मालिनी जी, आप अनम्यूट करके पूछेंगे तो ज्यादा सबको समझ आएगा, इंस्टेड ऑफ मी रीडिंग द कंप्लीट थिंग। मैम, आई वांटेड टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिजिल symbols, Zeebo and the Reiki symbols, and okay. The one that you're teaching us now, how do we make the Lama Pit? Right. Haanji, haanji. Right. Thank you for asking this, kyunki ye main topic chhedne wali thi abhi thodi der mein. Haanji. So the thing is, see, aapne kaha abhi symbols, right? Jitne bhi symbols aaye hain, basically, Shalvik Rishi jo the, unse aaye. उन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए हैं, ये बात आप लोगों को पता होगी, शाल्विक मंत्र रहस्य करके एक बुक भी है, उसमें सब सिंबल्स हैं, 4.5 लाख सिंबल्स हैं, जिसमें से 350 जो है लाख वो यूजेबल है, बाकी जो है वो सीक्रेट रखे गए हैं, वो ओपन नहीं किए गए। ठीक है, तो हर एक सिंबल को लिया गया है, उन्हें डिफाइन किया गया है, उनके लिए पर्टिकुलर एक प्रोसेस होता है और वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूज किए जाते हैं, राइट? ओके, नाउ द थिंग इज, आप जैसे Zeebo सिंबल बोलते हो, रेकी बोलते हो, देखिए हम Zeebo सिंबल को रेकी को नहीं कंपेयर कर सकते हैं। रेकी जो है अ सॉर्ट, वो बेस है लामा फेरा सिंबल्स तक जाने के लिए, आप ये भी कह सकते हो, जिन्होंने रेकी सीखी है वो लामा फेरा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन लामा फेरा सीखने के लिए जरूरी नहीं है आपको कोई और कोर्स भी करना पड़े। ओके, जस्ट आई वॉन्ट टू मेक दिस क्लियर, जिन लोगों को रेकी आती है या वो रेकी समझते हैं तो रेकी इज अ बेस, आप उसमें हीलिंग्स करते हैं, रेगुलर हीलिंग्स करते हैं, सिंबल्स डालते हैं, उनकी पावर को आप बॉडी के ऊपर डालते हैं, टच, बेसिकली इट इज अ टच थेरेपी, राइट? लामा फेरा इज अनटच थेरेपी। ओके, उसमें आपको शरीर को टच नहीं करना है, सिर्फ एक सिंबल में शरीर टच होता है इसमें, और वो भी हाथ से नहीं होता है, वी हैव अ वैंड फॉर इट जो आपको प्रोवाइड किया जाता है कोर्स के दौरान। ओके उसके थ्रू सारी हीलिंग्स होती है, यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग, यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग इन यू। सेकेंडली, रेकी में या बाकी जितने भी सिंबल्स आप करते हैं या बनाते हैं उसमें आपको उनसे अटैच होना पड़ता है, उनको अपने अंदर लेकर और फिर आप हील कर सकते हो, राइट? इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, ये सिंबल्स ही अपने में इतने पावरफुल हैं कि अगर आपने बना दिए तो वो अपना काम अपने आप करते रहे, आपको उनसे इमोशनली अटैच होने की कोई जरूरत नहीं। ओके, हम सिर्फ एक माध्यम बनते हैं यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा के, उनका जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं और हीलिंग्स करते हैं, दैट्स इट। ओके, थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। तो मैं आप लोगों को इसका कोर्स कंटेंट बता देती हूँ, जो आपको किस तरह से ये पूरा कोर्स आएगा आपके सामने। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू लामा फेरा जो ऑलमोस्ट हमारा हो गया है,
हिस्ट्री है, लीनेज है, लीनेज मैं आपको कोर्स में बताऊंगी, व्हील ऑफ लाइफ किस तरह से होता है, किस तरह से मारा होता है, और किस तरह से हम मेडिटेशन पे बैठते हैं और क्या क्या चीजें हमें तंग करती हैं, उसको हम मारा कहते हैं, राक्षस, जो मैंने कहा ना आवरण होते हैं हमारे आसपास, कैसे हमें चीजें तंग करती हैं आके मेडिटेशन में तंग करती हैं, या आप कुछ भी काम करना चाहते हो तो कुछ चीजें सामने आ जाती हैं, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, कुछ हमारे ही बिलीफ सिस्टम्स आते हैं, तो उनको एक डेफिनेशन दी हुई है कि राक्षस मारा। ये जो हमारा लॉर्ड बुद्धा की उसमें जो है लामास, वो उसको उस तरह से संबोधित करते हैं, ठीक है। फिर आपके एनर्जीज को देखा जाएगा इसमें, फिर आपको एनर्जीज के बारे में समझाया जाएगा किस तरह से लेनी है, ऑरा चक्र आएगा, स्टूडेंट्स के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हीलर्स के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, फिर टीचर्स के लिए होते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं ना कि आपके एथिक्स होते हैं कुछ, तो उसी तरह से लामा फेरा कोर्स के भी कुछ एथिक्स हैं जो फॉलो करने होते हैं, ठीक है। देन सेकेंडली किट होती है, वो मैं आपको किट डिटेल्स अभी बता दूंगी, जो मटेरियल्स इसमें यूज होते हैं किस तरह से होते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दूंगी और स्क्रीन पे भी आपको आएगा। इसमें लामा फेरा हीलर लेवल के 6 सिंबल्स हैं, किस तरह से हीलिंग्स होंगी, अट्यूनमेंट दिया जाएगा, पर एक अट्यूनमेंट हीलर लेवल में है, वो आपको दिया जाएगा मेरे थ्रू, ठीक है, बिकॉज ये हमेशा सिर्फ टीचर देता है, जो गुरु होता है, जो टीचर होता है, वही अट्यून कर सकता है अपने स्टूडेंट को। तो जब आप लोग टीचर लेवल कर लेंगे, उसके बाद फिर अगर आप किसी को पढ़ाएंगे तो आप अट्यून कर पाएंगे, ओके? जो एडवांस मास्टर लेवल है, जिसको हम टीचर लेवल भी कहते हैं, उसमें आपको क्रिस्टल को कैसे यूज करना है वो आएगा। फिर उसके जो सिंबल्स हैं, 6 सिंबल्स हैं उसके, वो आएंगे। सेकेंड लेवल में 2 अट्यूनमेंट्स हैं, वो आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेशन रहेगा, प्रैक्टिस सेशन यानी कि आप अपनी कोई प्रॉब्लम अगर किसी की लाते हैं तो आप लोग आपस में ही आप बताएंगे कैसे, जब आपको प्रोसेस पूरा सिखा देंगे, प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा, मैं यहाँ पर आपको हीलिंग करके दिखाऊंगी, अट्यूनमेंट कैसे देना है, बहुत सारी चीजें आपको यहीं पर सीखने को मिलेंगी ऑनलाइन, ओके? किस तरह से आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, इससे किस तरह से लोग पढ़ा सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो डिस्टेंस लर्निंग है ना ये एक तरह से, है ना, तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं, हीलिंग कैसे कर सकते हैं डिस्टेंस, ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी, ओके? फिर इसके अंदर आपका सिद्धिकरण जो है, जो 21 डेज का मैं प्रिफर करती हूँ, पर जिसे करना है वो 11 दिन का भी करते हैं, लेकिन प्रिफर है कि 21 डेज का आप करें। और जो पूरा गाइडेड रहेगा, मेरी वॉइस में रहेगा, आपको गाइडेड मेडिटेशन सबको मिलेगा जो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, पीडीएफ्स मिलेंगे, ओके? पूरा जो है प्रोसेस मिलेगा, सब चीजों का एक एक डिटेलिंग मिलेगा, क्लियर?